भैया बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए ना। हाँ मैं बैठिए ना। हेलो। हाँ मैम, मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ। हाँ लगभग आधा घंटा लग जाएगा। अच्छा मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, फोन आ रहा है फ्रेंक का। हाय। हाय कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बढ़िया। आज शॉपिंग करने चले? नहीं यार, कल चलते हैं ना अपने लोग शॉपिंग करने। कल साथ में मूवी देखते भी आएंगे। मूवी देख लेंगे। ठीक है। वेल यहाँ के लड़के बहुत ही ज्यादा चीप है। तुम क्या हुआ? क्या बताऊँ मैं तुझे, कल मार्केट में गई ऐसे देख रहे जैसे बस खा ही जाएंगे अभी। हाँ यार छोड़ ना यार, क्या कर सकते अपने लोग अब। हाँ यार हम कर भी क्या सकते हैं, इस देश का कुछ नहीं होगा, अपने लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ सेफ्टी हमें रखनी पड़ेगी, सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं। हाँ यार। घटिया सोच घटिया हरकत। ये लड़के कभी सुधरेंगे नहीं, हमेशा गंदी नजरों से देखते हैं। मौका मिलता नहीं कि अकेली लड़की को देखते ही छेड़ना शुरू कर देते हैं। ये मुझे दूसरे रास्ते से क्यों लेके जा रहा है? क्या कुछ गलत तो नहीं करने वाला? क्या करूं मैं, पुलिस को फोन करूं? नहीं नहीं ऑटो यहीं रुका देती हूँ। सुनो भैया आप यहीं पे रुक जाओ। मैडम आगे तक, आपने तो आगे तक का कहा था। नहीं आप मुझे यहीं पे रुक दीजिए। नहीं मैडम आगे तक छोड़ देता हूँ। अरे मैंने कहा ना मुझे बस यहीं पे आप रुक दीजिए, गाड़ी टैक्सी रुकी है। मैडम आगे तक छोड़ दो, आपने आगे तक कहा था ना। आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ना आप टैक्सी यहीं पे रुकी है। अच्छा मैडम रुक दो। हाँ रुकी पहले। ये ऑटो ड्राइवर फिर से आज आ गया, ये मेरे साथ कुछ गलत ना करे। क्या करूं, यहां से भाग जाती हूँ। वहां कुछ लड़के खड़े, उनसे मदद मांगती हूँ। प्लीज हेल्प मी, वो लड़का 3-4 दिन से मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। वो लड़का मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। तुम जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे अच्छे लड़कों का नाम खराब होता है। आज के बाद तू कभी लड़की नहीं छेड़ पाएगा। नहीं भैया मैं लड़की नहीं छेड़ रहा, तुम्हें तो बस। मैडम इसे अच्छे से सबक सिखा दिया, आज के बाद आपको तंग नहीं करेगा। थैंक यू। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लड़की का पीछा करेंगे तो मार तो खाएंगे। आज पहली बार किसी को इस हालत में देख के बहुत सुकून मिला मुझे। तुम समझते क्या अपने आप को? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना हम लड़कियां कहीं बाहर नहीं जा सकती। डर लगता है हमें अकेले जाने से, हमारे पेरेंट्स डरते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत ना हो जाए। तुम्हारी इन घटिया सोच की वजह से ना हम आगे नहीं जा सकते, अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना सोसाइटी हमें गलत समझती है, हमें बाहर जाने नहीं देती है। अगर तुम लड़के ये हरकतें करना बंद कर दो ना, तो इस देश में लड़कियों के साथ रेप होना, उनके साथ गलत व्यवहार होना, ये सब बंद हो जाएगा।
लड़कियां आगे बढ़ेगी और अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। लेकिन तुम लोग और तुम्हारी ये घटिया सोच ऐसा कभी होने नहीं देती है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा मैं नहीं हूँ। मैं आपको परेशान करने या तंग करने आपका पीछा नहीं कर रहा था। आपका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि आप जब 2-3 दिन पहले मेरे ऑटो में बैठे थे तब आप ये चेन भूल गए थे, बस यही लौटाने आया था। उस दिन मैं तुम्हें बताने वाला था कि तुम्हारी चेन गिरने वाली है, लेकिन तुमने अचानक से ऑटो को रुकवा दी। मैं तुम्हें कहने ही वाला था पर तुम जा चुकी थी। मैंने तुम्हें काफी खोजा लेकिन तुम मिली नहीं, और फिर तुम मुझे आज मिली। और आज मैं जब चेन देने आ रहा था तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं और इन लड़कों से पिटवा दिया। मैं सिर्फ चेन देने के लिए पीछा कर रहा था और तुम मेरी सुन नहीं रही थी। और मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जो भी कहा वो सही है, लेकिन सभी लड़के एक जैसे हो ये जरूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ लड़के खराब होते हैं, जो लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, उन पे कमेंट पास करते हैं, लेकिन सारे लड़के ऐसा नहीं करते। कुछ लड़के अच्छे होते हैं जो लड़कियों की इज्जत करते हैं। पहले आप ये देख लीजिएगा कि कौन लड़का सही और कौन गलत। आपको लगे कि ये लड़का गलत है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए, और जो लड़का सही है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और मैडम, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं जो लड़कियों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। कभी भी कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचे, फिर अपना कोई फैसला ले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको साथ मिलके रहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और आगे बढ़ना है। किसी पे गलत कमेंट पास करना गलत होता है, किसी का पीछा करना ये भी गलत है। तो हमेशा लड़कियों की इज्जत करें। इस वीडियो में 2 इम्पोर्टेंट मैसेज थे, और वो 2 इम्पोर्टेंट मैसेज क्या थे ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्योंकि वीडियो के एंड में हर बार मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो का मॉरल क्या था, लेकिन आप इस बार बताएंगे कि वीडियो का मॉरल क्या था और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के मैसेज के बारे में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी बहन के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये मैसेज पहुँच सके जो मैसेज मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली 1 मिलियन के बहुत पास है, और 1 मिलियन में सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी फैमिली 1 मिलियन की हो सके और आप लोगों का प्यार हमेशा से बनाए रखे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।